Kendrick, go on. Congratulations, sir. Thank you. बिल्कुल सही कहते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ अनीता भगवान में और हमारे मनोज कुमार सर है। सर हेलो, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आपने मुझे इस काबिल समझा। और एन जी सर थैंक यू सो मच। ऐसे तो मैं इस अवार्ड के काबिल नहीं हूँ क्योंकि अभी मैंने इतना काम नहीं किया है, उस तरह में ये फर्स्ट स्टेप है। मगर ये जो अवार्ड है ये मुझे लगता है ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है जो हमेशा मजबूत होनी चाहिए जिस पर हम चल के ऊपर चढ़े और वहाँ अपनी मंजिल को पाए। और मेरी दुआ है ये शो जो सक्सेस है और मेरे फादर भी आए हैं यहाँ पे अभी मैं क्या रहेंगे बराबर। इसमें फादर इनका बहुत सपोर्ट है मुझे और एक्चुअल में जो भी है मैं इनकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। देखिए ये मेरे बच्चे की खुशनसीबी है कि हमारी बहन ने इनको हमारे बच्चे की हौसला अफजाई के लिए मुंबई से एक दावत दी है और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज इस तरह के इंसान मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ शायद आने वाले वक्त में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सच बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि सवाल बहुत बढ़ता जा रहा है। और हमारी बहन का कहना ये है कि सिर्फ जो इज्जत हमें मिल रही है वो हमें अपने तक नहीं रखनी है, हमें लोगों को उससे ज़्यादा देना है दुनिया से हमें जब याद जाना शुरू होते हैं। तो ये मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि एक अच्छे इंसान के हाथ से हौसला अफजाई हो रही है। और इस बीच में एक हमारी और एक बहन है वो भी मुंबई से आई है और वो भी बहुत बड़ी, मैं चाहता हूँ उनको बुलाने को अच्छा रहेगा जी, नाम बोल दीजिए आप अच्छा रहेगा। कृपा जी, कृपा भारे राव जी मैम का जोरदार तालियों से स्वागत। कम ऑन गिव राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर द कृपा भारे जी। सर ने सच कहा कि हाँ बिना फैमिली सपोर्ट के कोई आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता और एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो आज जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने खूबसूरत से मंच पर अगर किसी का स्वागत हो रहा है तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई सपोर्ट जरूर होती है। और यहाँ उनके फादर हैं तो फादर के लिए तो जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। सर मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अदनान का ये बचपन से शौक था या आपने बढ़ावा दिया क्या, मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताएं अदनान के लिए। अदनान का जो है उसे पढ़ाई में ही था ज्यादा, फिर उसके बाद में पिछले साल एक अवार्ड शो हुआ था वो हमारे फ्रेंड ने किया था तो सबने कहा कि तुम्हारा बेटा जो है कम धो लगता है, मैं जाता नहीं बहुत बड़ा धोने यही तो बात आया आपने। तो मैंने कहा भी मतलब अपना नाम बदल के थोड़ा सा गर्म ज्यादा रखो, कहीं मुझे किसी कॉपी नहीं करनी है। मगर मैंने ये कहा भाई वरुण की चीज़ें सीखो, फिर मेरा भी मेरे रिलेशन है अलहमदिल्ला देखिए अल्लाह ताला ने मुझे लोग रोड से चले गए, ये मुझे मिले हैं प्रोड्यूसर हैं ING सैन, अभी इन्होंने फिल्म बनाई है डायरा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली इन्होंने कहा कि अदनान को लेकर मैं फिल्म बना रहा हूँ और उसकी शूटिंग अभी 1 सितंबर को होने वाली है। और मेरे एक दूसरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि वो भोपाल गैस कांड में फिल्म बन रही है कि हम अदनान को लेंगे,
फिर एक और मेरे फ्रेंड है शैलेंद्र कुमार, उनकी एक फिल्म है उनके अच्छे अच्छे, और उसके बाद ये देखिए बिना किए हुए एक अवार्ड मिला है, सबसे बड़ी बात है जी अभी। और ये मैं समझता हूँ ये अवार्ड शायद पूरी तुम याद रहेगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान के आदमी मिल रहा है और एक ऐसी जगह मिल रही है, इसकी वजह से मैं उम्मीद आया हूँ। और आज ही इनका शो है फैशन शो, तो अभी हमें वहाँ जाना है। और ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज आपके बीच में खड़ी है, 102 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, 102 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं और 64 ये चांदी वाले मेडल है, सिल्वर मेडल, और उसके अलावा हजारों हैं। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है इंडिया की आइकॉन जी, ये हमारे अवार्डी भी हैं, अभी इनका अवार्ड एनाउंस भी होना है। और इनको 102 गोल्ड मेडल, 64 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुके हैं। और इन्होंने काफी 34 ट्रॉफीज अभी तक ही ले चुकी हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी बहन का, और अपने जीजा जी हैं वो हमारे, बस क्योंकि बहन मेरा तो रिश्ता है भाई, और आप सब लोगों का, दिल्ली वालों का, कि भाई आप लोगों ने अपनी देखिए प्रोग्राम रखा, इसमें आए और सब लोगों के लिए भाई इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है। चलिए इतना खूबसूरत माहौल है, तो भाई कोई रोना नहीं, हंसना, सबको हंसना है। और यहाँ पर आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर मैं तेरे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच अदनान। और जैसा आप सभी जानते हैं यहाँ एनर्जी बढ़ता जा रहा है और मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ